हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके बूल स्टोर में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आएं। तो फ्रेंड्स, से आज फिर से मैं आप सभी के लिए ओसवाल कंपनी की 3 प्लाई वाली 3 तार में ऊन लेकर आई हूँ। अगर आप भी 3 प्लाई वाली 3 तार में ऊन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। अगर न्यू जुड़े हो तो इसे आप सुषमा कुहाड़ के नाम से अपने फ़ोन में सेव कर लेना। और बहनों, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल मत किया करो, आप ओनली व्हाट्सअप किया करो। जो भी आपको सामान लेना हो उसका स्क्रीनशॉट लेके और मुझे व्हाट्सअप पर भेज दिया करो, बाकी की बातचीत वहीं पर हो जाएगी। तो चलिए अब थोड़ी सी ज़रूरी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी। COD अवेलेबल नहीं है क्योंकि मेरा प्राइवेट बिजनेस है, तो इसमें कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है। पेमेंट आपको पहले देनी होगी, फ़ोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, जो भी सुविधा आपके पास हो ठीक वैसे ही आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट के बाद यहाँ से आपके पार्सल को कोरियर कर दिया जाएगा। और कुछ बहनों को ये लगता है कि अगर हम पेमेंट कर दें तो पता नहीं हमारा पार्सल आएगा कि नहीं आएगा, कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा। तो मैं यहाँ कोई 1-2 महीने से तो आई नहीं हूँ, सालों से यहाँ पर हूँ, काम कर रही हूँ। सोनीपत सेक्टर 23 में मेरा अपना खुद का घर है, बिजनेस करती हूँ। यहाँ फ्रॉड करने के लिए नहीं बैठी हूँ, बिजनेस करने के लिए बैठी हूँ। आप लोगों के साथ मैं हमेशा के लिए जुड़ना चाहती हूँ। कोई ये नहीं है कि मेरा एक दिन का काम है और इसको किया और पैसे लिए और मैं यहाँ से चंपत हो जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है बहनों, विश्वास कीजिए। आप एक बार सामान लेकर देखिए, क्योंकि देखिए जो 2-3 सालों से मेरे से सामान ले रहे हैं, मेरे पुराने कस्टमर हो चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है मुझ पर। वो तो कुछ पूछते ही नहीं है कि मेरा पार्सल कब आएगा कब नहीं आएगा, उनको पता है कि आ जाएगा। लेकिन जो न्यू होते हैं उनको एक दिन में ये लगने लग जाता है कि पार्सल मेरे घर तक आ जाए। तो एक दिन में तो किसी का भी नहीं आता, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन पार्सल आपके घर तक जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी। अब आती है शिपिंग चार्ज की बारी। शिपिंग चार्ज देखिए, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये कुछ स्टेट है जहाँ पर जाता है बाई रोड। तो बाई रोड का शिपिंग चार्ज लगता है 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम का 100 रुपये। 100 रुपये में से 50 रुपये मेरा है और 50 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत दूर दूर की जो स्टेट होती हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, ये आता है बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, मेघालय है, मणिपुर है, आसाम है, यानी भारत के फिर किसी भी कोने से, चाहे आप गांव से हो चाहे शहर से हो, लेकिन अगर बाई एयर आपका पार्सल जाता है तो उसमें शिपिंग चार्ज लगता है 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम का 140 रुपये। 140 में से 70 मेरा है और 70 आपको पे करना पड़ेगा। उससे ऊपर लेते हो तो उसी हिसाब से वो ऐड हो जाएगा। जितना भी आपको सामान लेना हो वो आप भेज दीजिए। ज्वेलरी में ज्वेलरी का बताती हूँ, ऊन में ऊन के हिसाब से बताती हूँ, सबका अलग तरीके से शिपिंग लगता है, वो मैं साथ के साथ बता देती हूँ। तो चलिए अब देखिए, शिपिंग हो गया है, पेमेंट हो गई है, कैसे करनी है। प्राइस है 800 रुपये किलो, यानी 80 रुपये की 100 ग्राम, जो कि मैंने यहाँ कोने में रेट डाल दिया है। अब मैं आपको ऊन दिखाती हूँ कि कैसी है। ये है 3 प्लाई वाली 3 तार वाली, ओपन करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि जो बहनें न्यू जुड़ती हैं वो हमेशा यही बोलती हैं कि थोड़ा सा ऊन को ओपन करके दिखाया करो, ताकि हम समझ सकें कि ये ऊन है कैसी। तो ये देख लीजिए जी, ये है 3 प्लाई में 3 तार वाली। 3 तार का मतलब ये होता है कि ये पतले पतले से ऐसे 3 धागे होते हैं। देखने में आपको लगेगा बहुत पतला है, लेकिन एक बार इसको 9 नंबर की सिलाई से जब आप बुनोगे ना, तो बहुत ही मोटा मोटा, बहुत ही सुंदर, मतलब इतना लाइट वेट में स्वेटर बनता है ना कि वजन ही नहीं होता स्वेटर में। बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई भी, और शरीर को भी बहुत आनंद आता है पहनने के बाद, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है ये। ऊन पे रुआ नहीं आएगा, कलर फेड नहीं होगा, प्रोजेक्ट आपका श्रिंक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी की तरफ से फुल गारंटी है इस ऊन की। तो ये आएगी तरंग के नाम से, 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन है। 100 ग्राम का एक बॉल है, जो ये लेबल लगता है इसका वेट भी अलग होता है।
ऊन होती है एक बॉल में 100 ग्राम। मेरी तरफ से आप एक कलर की 100 ग्राम, एक कलर की 100 ग्राम करके ले लेना। 500 ग्राम मिनिमम ऑर्डर रहेगा, इससे कम का ऑर्डर नहीं होता है, 500 ग्राम का होता है। लेकिन आप देखना कि आपको स्वेटर कार्डिगन क्या बनाना, उसमें ऊन कितनी लगेगी, एक कलर की आपको कितनी ऊन लेनी है। एक बार में पूरी ऊन लेके रखना, दोबारा सेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है भाई, क्योंकि माल ख़त्म भी हो जाता है। ऐसा ना हो कि आपका प्रोजेक्ट बीच में अटक जाए, एक बार में ही पूरी ऊन ले लेना ताकि आप आराम से अपनी स्वेटर को पूरा कर सको। तो ये 100 ग्राम की एक बॉल है, आपको जितनी लेनी हो उतनी ले लेना। अब मैं आपको ऊन के 8 कलर दिखाऊंगी, शेड नंबर 7 में दिखाऊंगी। ये देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सा कलर है ये। ये देखो, डार्क पर्पल कलर है ये, बहुत सुंदर सा। अगर आप जामनी बोलोगे तो लाइट जामनी हो जाएगा, और पर्पल बोलोगे तो डार्क पर्पल हो जाएगा। ये वाला कलर कितना सुंदर है, और शेड नंबर है इसकी 22। फटाफट ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक के बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा माल आने में टाइम लगता है। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो क्यों ना जल्दी जल्दी स्वेटर कार्डिगन जैकेट सब बना लिया जाए। तो ये है शेड नंबर 22, लाइट फालसा, इसको लाइट आप जामनी कह लीजिए या डार्क पर्पल कह लीजिए, वो आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, क्योंकि कलर इतने होते हैं, क्या क्या नाम रखे उनके। मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम कलर आएगा जो दिख रहा है, पर बिल्कुल प्रॉपर कलर है। शेड नंबर मैंने आपको बता दी है 22। मैन कॉमन इसमें नोट करने की चीज़ है शेड नंबर, वो है 22। आप जब इसका स्क्रीनशॉट भेजो तो साथ में भेज देना कि शेड नंबर 22 है, ठीक है जी। एक कलर हो गया, 8 कलर दिखाऊंगी एक एक करके। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा है कलर, देखो शेड नंबर 17 है, कितना सुंदर कलर आप देख सकते हो। जेंट्स स्वेटर बनाना चाहते हो इसकी, बहुत प्यारी लगती है। पिछले साल मैंने मेरे खुद के भाई के लिए स्वेटर बनाई थी इसी कलर की, बहुत सुंदर लगती है, मैला भी कम होता है और कलर भी अच्छा है, जेंट्स पे बहुत सुंदर जचता है। यह है शेड नंबर 17 और बिस्कुट कलर, देखो शेड नंबर 17 बिस्कुट कलर है, बहुत सुंदर है। पसंद आता जाए तो स्क्रीनशॉट लेते जाना फटाफट। ऐसा है कि स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जो जो फिर बाद में लेना हो डिसाइड कर लो, शेड नंबर 7 के साथ नोट कर लो। शेड नंबर 17 यानी 17, शेड नंबर 17, ठीक है जी। 2 कलर हो गए हैं। अब मैं आपको बहुत ही प्यारा सा बेबी पिंक कलर दिखाती हूँ। इस कलर की मैंने अपनी हाफ जैकेट बनाई हुई है, बहुत प्यारी लगती, बहुत सुंदर। ये है शेड नंबर 4 बेबी पिंक कलर, गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कलर है। जेंट्स पे थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा ओवर हो जाता है, बट गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये देख लीजिए शेड नंबर 4, शेड नंबर 4, ठीक है जी। 3 कलर हो गए हैं, अब मैं आपको चौथा कलर दिखाती हूँ। देखिए फालसा कलर है, इसको मैं बाहर निकाल के दिखाऊंगी, थोड़ा चेंज हो रहा है पॉलोथीन में। ये लो, ये वाला कलर है, देखो शेड नंबर है ये 47, शेड नंबर 47 यानी 47। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, शेड नंबर है 47 यानी 47। फिर से नोट कर लीजिए, शेड नंबर 47, ठीक है जी। एक ये हो गया है शेड नंबर हमारा 47। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो अगर आपको पसंद आता है तो बहुत सुंदर लगेगा, ये सब पे जचता है, ये कलर बहुत प्यारा है। शेड नंबर 47 हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ शेड नंबर 16 सिल्वर ग्रे कलर, देखो कितना प्यारा है। गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी बनाइए, एकदम परफेक्ट कलर है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। शेड नंबर 16, शेड नंबर 16 यानी 16, शेड नंबर 16, ठीक है जी। शेड नंबर 16 हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ डार्क स्किन कलर, देखिए शेड नंबर 5। ये भी जेंट्स स्वेटर बनाना चाहो तो जेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट कलर है, बहुत सुंदर, क्योंकि गिने चुने कलर होते हैं जो जेंट्स पर सुंदर लगते हैं। लेडीजें तो कुछ भी पहन ले सब चलता है, लेकिन जेंट्स के थोड़े से कलर देख के बनाए ना कि हाँ ये जचेगा ये नहीं जचेगा, तो बात ही अलग होती है। यूं कुछ भी तड़क भड़क बनाए तो जेंट्स पर जचते नहीं है, किसी भी एज के हो सब पे जचेगा। शेड नंबर है 5 यानी 5, लेडीज जैकेट, लेडीज कार्डिगन बनाना हो बहुत प्यारा लगेगा। देखिए शेड नंबर है 5 यानी 5, शेड नंबर 5,
ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाती हूँ शेड नंबर, देखिए 30 रॉयल ब्लू कलर, यंग लड़कों पे, लड़कियों पे, छोटे बच्चों पे बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। अगर इस कलर का लड़कियों के लिए टॉप बनाए या लड़कों के लिए हाई नेक बनाए, गजब का लगता है, बहुत सुंदर लुक आती है इसकी। छोटे बच्चों को इसमें वाइट क्रीम, बटर क्रीम कुछ भी मिलाकर बनाए, सेट बनाए, बेबी सेट, बहुत प्यारा लगेगा। शेड नंबर है 30 यानी 30, शेड नंबर 30 रॉयल ब्लू कलर, शेड नंबर 30। और इसमें जो सिलाई चलती है वो 9 नंबर की चलती है, जैसे आप कार्डिगन बनाते हो, जैकेट बनाते हो लेडीज और गर्ल्स टॉप हाईनेक में 9 नंबर की, जेंट स्वेटर बनाते हो तो जेंट स्वेटर में बॉर्डर 10 नंबर से बना लिया करो, ऊपर का पूरा प्रोजेक्ट 9 नंबर से बनाया करो। गला वगैरह होता है वो आप 10 नंबर से बनाइए, क्योंकि वो वी गला होता है तो 10 नंबर से बेस्ट बनेगा। बाजू, हाफ बाजू बनानी हो तो वो आप 10 नंबर से बनाइए, बहुत सुंदर स्वेटर बनेगी। ये देखिए 8वां कलर आपको दिखा रही हूँ, शेड नंबर 72 रेडियम कलर यानी 72, शेड नंबर 72 यानी 72 रेडियम कलर, लास्ट कलर ये मैंने आपको दिखाया 8वां कलर। 8-8 कलर करके मैंने काफी सारी वीडियो डाल दी हैं, अगर आपने पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर वो सारी वीडियो देख लो, शायद आपको उनमें से ही कोई कलर लेना हो, वही कलर आपको पसंद हो तो आप कुछ कलर इसमें से कुछ उसमें से ऐसे करके अपना ले लो। और ये है शेड नंबर 72 यानी 72। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप सबको 3 ply 3 तार वाली के 8 कलर दिखाए हैं। अगर आप सबको आज का ये कलर कलेक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय, खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।